बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, आज की इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो कैमटेशिया के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग करवाने का तरीका और उसमें एडिटिंग का तरीका आपको बताना है। सबसे पहले मैं कैमटेशिया 2019 लॉन्च कर लेता हूँ। कैमटेशिया 2019 अगर आपके पास नहीं है तो वो आप हमारे फाइल शेयर से उठा सकते हैं, जो हमारी IT टीम है वो आपको ये प्रोवाइड कर देगी। इसकी रजिस्ट्रेशन की भी हमारे पास अवेलेबल है। लॉन्च होने पे आपके पास कोई ऐसी स्क्रीन आएगी, आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसी एक स्क्रीन आपके पास लॉन्च हो जाएगी। इसमें देखें, ये रिकॉर्ड का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्क्रीन का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कैसे होगा, तो आप रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर दें। रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। इसमें आप फुल स्क्रीन के ऑप्शन को क्लिक कर लें और यहाँ पर क्लिक करके आप मेक श्योर कि माइक्रोफोन को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो इस स्क्रीन की रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। देखें, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग इस वक्त स्टार्ट हो गई है। जब आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अब ये रिकॉर्डिंग के अंदर एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ से आप का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी आपका लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें और उसको स्टॉप कर लें। स्टॉप होने के बाद ये लेक्चर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, ये लेक्चर आपका ये आ गया और ये आ गया। अगर इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक कर दूँ, दिस इज़ टाइमलाइन, टाइमलाइन के ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट कर दें तो लेक्चर यहाँ से हट जाएगा। आप उसको वापस यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। देखें, लेक्चर यहाँ पे आपका ड्रैग हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आपने कुछ एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे होगी। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें इसकी साउंड क्वालिटी बढ़ाना चाहें तो आप ऑडियो इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर लें। नॉइस रिमूवल है, इसको क्लिक करके ड्रैग कर दें इस ट्रैक के ऊपर। देखिए, यहाँ पे ग्रीन लाइन बन जाएगी। आप इसका इफेक्ट जितना बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद जब फाइनली हो जाए तो आप इस शेयर के ऊपर क्लिक करें। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये लोकल फाइल है, यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग, यहाँ से आप कोशिश कर लें ये 720 सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लें। इसको जगह बता दें कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर लोगो भी आए तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें, यहाँ से कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग को क्लिक करें, फिर नेक्स्ट करें, MP4 को सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट। यहाँ पे वीडियो सेटिंग पे क्लिक कर लें, इसकी वीडियो क्वालिटी जो है वो 74 तक लें। देखें, यहाँ इस रेड लाइन से पहले तक 74 तक इसको ले आएँ या 75 तक। उसके बाद नेक्स्ट करें, यहाँ पे देखें इंक्लूड वाटर मार्क ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको वाटर मार्क दिखा दें। जहाँ पर भी आपके पास कोई वाटर मार्क आप लेकर आना चाहें वो लेकर आ जाए। कहाँ पर लेकर आना चाहते हैं ये जगहें देखें। जैसे जैसे मैं चेंज करूँ, यहाँ पर ये वाटर मार्क का प्रव्यू जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम वाटर मार्क इस पे लेकर आना चाहते हैं। इस वाटर मार्क को बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। सिमिलरली इसको आप बोल्ड कर तेज़ करना चाहें, इसको मध्यम करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको ओके कर लीजिएगा। मैं वाटर मार्क को इंक्लूड नहीं करता तो अब इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट करें, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दें जिस भी आप सेव करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग क्लिक करने के बाद इसको फिनिश कर दें तो ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये रिकॉर्डिंग जाके सेव हो जाएगी। अब ज़रा हम इसकी दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने एडिटिंग कैसे करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपने अपना लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए, रखी हुई हैं केमिस्ट्री से के लिए। केमिस्ट्री के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये ट्रैक यहाँ पर देखें लोड हो रहा है। इसको मैं नीचे यहाँ पर टाइमलाइन पर ट्रैक नंबर वन पे ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखें, ट्रैक नंबर वन पे ये ड्रैग हो गया। इसको आप डबल क्लिक कर लें तो ये इधर ही प्लेयर के अंदर प्ले हो जाएगा। ये देखें, प्लेयर के अंदर प्ले हो गया। यहाँ पे भी आप इसको प्ले कर सकते हैं, देखें ये प्ले हो गया। अब मैंने करना क्या है कि इसका जो म्यूज़िक है ये मैंने हटाना है। देखते हैं ये कहाँ तक है, जहाँ पे आए उसको स्टॉप कर दें। थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, थोड़ा सा और पीछे, और यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। अब ये जो पोर्शन है इसको मैंने कट करना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आप ये स्प्लिट है इसको क्लिक कर लें, स्प्लिट को, तो दोनों ट्रैक अलग हो जाएंगे। ये अलग होगा, ये अलग होगा। इसको सेलेक्ट कर लें, देखें येलो बार जो आ रहा है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद इसको आप स्टार्ट पर लें। अब आप दोबारा इसको प्ले करें, देखें वो जो पोर्शन है वो यहाँ से हट गया। दूसरा, अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, यहाँ तक आई गेस वो म्यूजिक था। यहाँ तक इसको इस एल ये ग्रीन जो आपको बटन नज़र आ रहा है इसको क्लिक करें, कंट्रोल को प्रेस कर लें और इसको ड्रैग करते जाएं स्टार्ट तक।
ये सारा हाईलाइट हो गया। अब इसको यहाँ पे है, इसको कट कर लें तो ये पोर्शन इसका कट हो जाएगा। ये देखें, अब इसको प्ले कर लें तो ये पोर्शन कट हो गया। अब ये एंड तक है, देखें एंड तक। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ तक जाऊँ, इसका मैं जूम कम कर लेता हूँ। ये देखें, जूम में कम करता हूँ, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एंड तक लेके जाता हूँ। एंड पे देखें इसके, ये इसका, इसको आपको मूवमेंट में एंड पे लेके जाएगा। ये एंड वाला म्यूजिक मैं फिर से ख़त्म करता हूँ। कहाँ तक है ये, यू कैन स्टॉप टेक्स्टिंग योर फ्रेंड्स, यू नो, फोल्ड अप, यहाँ तक है, वहाँ पे इसको रोक दीजिएगा, व्हाटएवर, एंड आई विल सी यू इन अ लिटिल बिट। इसको स्टॉप कर दें। अब इस रेड बटन को सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लें और फिर यहाँ से इसको कट कर लें तो ये पोर्शन भी इसका कट हो जाएगा। देखें यहाँ तक आके, that's what chemistry is, you can tune back in now, you can stop texting your friends, you know, fold up the phone or turn it off or whatever, and I'll see you in a little bit. ये देखें यहाँ पे आके ये रुक गया। अब एक दूसरी केमिस्ट्री का लेक्चर मेरे पास यहाँ पे मैंने रखा हुआ है आप लोगों की रहनुमाई के लिए। केमिस्ट्री के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, ये एक दूसरा केमिस्ट्री का लेक्चर है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये केमिस्ट्री का लेक्चर मेरे पास यहाँ पे अभी प्ले हो जाएगा। अच्छा, इस केमिस्ट्री के लेक्चर में थोड़ा सा कोई इशू है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक दूसरा ट्रैक ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने दो लेक्चर बनाए हैं, दोनों का आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, प्लस को, इम्पोर्ट मीडिया, यहाँ पे मैं दूसरा लेक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे पास इसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग है, मैं वो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो इंट्रो एंड फाइनल के नाम से मेरे पास एक फिनिश का है, एक मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें फिनिश आ जाएगा, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और जहाँ पे आपको लेकर आना है, ये देखें इस लाइन का आपने ख्याल रखना होगा। अच्छा देखें, ये दूसरा ट्रैक है। अब इस तक यहाँ पे आते हैं और देखें ये दूसरा ट्रैक क्या होगा। एंड पे आने के बाद ये देखें, ये सेकेंड, ये ट्रैक प्ले होगा, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है कि ये आपके पास ये जो येलो लाइन आती है ना, ये देखें ये यहाँ तक आप इसको लेकर आएंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके स्टार्ट में मैं कुछ ऐड कर लूँ, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होगा, आप इसको ट्रैक नंबर 2 के ऊपर लेकर आएंगे, 3 के ऊपर, इसको ट्रैक 2 के ऊपर लेकर आएंगे, इसको थोड़ा सा पीछे कर लें, इसको भी ये यहाँ तक, इसकी इस लाइन का आपने ख्याल रखना होगा कि ये दोनों, ये देखें ये स्टार्ट वाली लाइन का आपने ख्याल रखना होगा कि ये ख़त्म हो, ये वाली ख़त्म हो रही है और वो दूसरी, ये देखें शुरू हो रही है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट पे कुछ लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ इंपोर्ट मीडिया के ऊपर। ये फिनिश था, एक इंट्रो का मैंने लेक्चर बनाया हुआ इंट्रो, ये यहाँ पर आ गया, इसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ यहाँ पर, ट्रैक नंबर 1 पर, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखें उसके बाद ये रुका, उसके बाद ये सारी जगह जो है ये खाली जा रही है, देखें, ठीक है। तो करना क्या होगा, आपने करना कुछ ही होगा कि इसको यहाँ से ट्रैक करके यहाँ तक लेकर आना, कि येलो लाइन पहली वाली की एंडिंग, दूसरी की स्टार्टिंग, और फिर इसको भी आपने सेलेक्ट करके यहाँ तक लेकर आ जाना होगा। ये तरीका इसका है, और जब ये सारा हो जाए तो देखें आपके पास कोई वीडियो इस तरह से बनेगी। इसमें से म्यूजिक कट ख़त्म हो गया, एंड तक आ पाएँ और इसको फिर प्ले कर दें और ये एंडिंग। तो इस तरह से आप इस क्लिप्स में से कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाहें, कोई चीज़ डिलीट करना चाहें, कहीं पे आप दो क्लिप्स को मर्ज करना चाहें, अब ये सारे हो गए। फाइनली आप शेयर के ऊपर क्लिक करें, लोकल फाइल के ऊपर क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे के फिनिश करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। मज़ीद अगर आपको इस हवाले से कोई हेल्प की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे।